सो so, वेल well, तो यार मैंने इससे पहले एम पी बोर्ड के लिए भाई एक कॉपी चेकिंग को लेकर वीडियो बनाई थी एंड वीडियो बनाने के बाद में मैंने आपको कुछ स्टेप्स जो कि पांच काफी इंपोर्टेंट स्टेप्स होती है हमारी एम पी बोर्ड में जब कॉपी चेकिंग होती है उसको लेकर वेल well, लेकिन यहाँ पे मैंने एक स्टेप में उन्हें वहां पर बताया था कि यहाँ पे आप लोगों की जो कॉपियां हैं वो चेक होती हैं आपके कंप्यूटर से जिसको लेकर एक बच्चे ने भाई मुझे कमेंट किया एंड वहां पर उन्होंने बताया कि भाई कंप्यूटर से कैसे चेक होती है तो देखो मेरा कहने का मतलब कुछ और था आप लोगों ने समझा कुछ और तो इस चीज को आज मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं चेक होती है कैसे होती है क्या होती है सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला भाई वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड अगर आप चैनल नए हैं तो आपको तो पता है क्या करना है रीति रिवाज के अनुसार चैनल को भाई कर दो सब्सक्राइब अभी से और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि ऐसी फर्दर कोई जानकारी आपको मिले तो मैं अच्छे से दे पाऊं और आपके तक नोटिफिकेशन चले जाए बढ़ते अपने वीडियो की तरफ और जान लेते हैं क्या है कंप्यूटर का फंडा तो देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें यही क्लियर कर दूं कि भाई तुम कुछ भी वीडियो चाहे आप मेरी वीडियो देखो या कोई और की वीडियो देखो ठीक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई लॉजिकल पॉइंट आपको खुद को सोचना पड़ेगा कैसे कि देखो मान लो अब मैं तुमको पहले ही बता दूं मेरा तो भाई एक ही नारा है कि एमपी बोर्ड है भाई गरीबों का बोर्ड और तुम्हें क्या लग रहा है वो टीचर ही अफोर्ड करने में यहाँ पे भाई उनके तेल पसीने निकल जाते हैं सब बोर्डों का रिजल्ट आ जाता है एमपी बोर्ड भाई सप्लीमेंट्री तक की बातें कर देता है लेकिन यहाँ पे भाई मेन परीक्षाओं का रिजल्ट ही लाता नहीं है तो तुम्हें क्या लग रहा है कि भाई लाखों जो छात्र हैं दसवीं और बारहवीं के उनके परीक्षाओं के लिए यहाँ एम बोर्ड स्पेशल कोई कंप्यूटर से परीक्षाओं की कॉपियाँ चेक करेगा अरे जी भाई उन्हें जो ओ एम सीट वो चेक करते हैं ना वो ओ एम सीट में ही अगर वो अच्छे से चेक

यहाँ पे आपकी कंप्यूटर से भी कॉपी चेक होती है लेकिन कौन सी कॉपी चेक होती है वो होती है भाई आपकी ओ एम आर सीट ठीक है और ये पॉसिबल है कि ओ एम आर सीट आपकी हो भी सकती है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे स्कैनर्स बार कोड लगे हुए होते हैं जिससे उसे स्कैन करके जो है एक कंप्यूटर में किया जा सकता है अब मान लो भाई तुम्हारी है बत्तीस पेज की एक कॉपी ओ एम आर सीट तो आपकी एक पेज में खत्म है उसे चेक करना कोई मतलब, मतलब मुश्किल काम नहीं है उसको कंप्यूटर में डाला फिर ओ का जो चेकिंग का एक प्रोसेस होती है उसमें कंप्यूटर स्कैन कर लेता है जहां जहां भी बार कोड्स होते हैं एंड जहां जहां भी जो भी चीज़ें जानकारी होती हैं ठीक है तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि एमपी बोर्ड वो काम कर सकता है बट यहां पे हजारों विद्यार्थियों लाखों विद्यार्थियों की कॉपी चेक करना जिसमें अब मान लो भाई कंप्यूटर में तुम्हारा क्या होता है कि कंप्यूटर हमें वही चीज़ें बताता है जो यहाँ पे पॉसिबल हो लाइक जैसे कि कंप्यूटर uh, वो चीज़ें बताएगा जो चीज़ उसके डाटा रिकॉर्डर में होगी जिस चीज़ का उसे आंसर्स दिए होंगे लेकिन यहाँ पे तुम भाई बिल्कुल सेम टू सेम आंसर की जैसे तो आंसर नहीं लिखते कुछ अपने लॉजिकल पॉइंट भी लगाते हो तो वहाँ पे कंप्यूटर का तो भाई वहाँ पे जो डाटा में अगर मैच नहीं होगा तो तुम्हारा सही आंसर को भी हो गलत कर देगा लेकिन एक कॉपी चेक करने वाला जो टीचर सर होता है वो तुम्हारे लॉजिकल पॉइंट देख के भी तुम्हें मार्क्स देता है तो यहाँ पर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी तो भाई ये चीज़ें देख के ये तुम इस बात का पता लगा सकते हो कि एम बोर्ड यहाँ पर कंप्यूटर से सिर्फ तुम्हारा ओ एमआर चेक करता है तुम्हारी मेन कॉपियां तुम्हारे हाथों से टीचर ही चेक करती है क्योंकि कॉपी चेक करते समय बहुत ज्यादा लॉजिक का यहां पर ध्यान रखना पड़ता है बच्चे ने किस हिसाब से लिखा कैसे लिखा है कैसे उसे मार्किंग दी जा सकती है ये सब चीजों का ध्यान रखता है इसलिए मैं आपको एक बात जो आपके मन में अगर डाउट चल रहा है कि भाई हमारी कॉपियां भाई एमपी बोर्ड कंप्यूटर चेक करता है तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कंप्यूटर चेक नहीं होती आपकी कॉपी ओ एमआर से होती है कंप्यूटर में सिर्फ आपका चेकिंग वेरीफाई मार्क्स देखे जाते हैं कि जो मेन वाले ने सर एक जो

में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद